हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूरिज्म एजुकेशन पर। तो आज मैं अनुभा त्यागी आप सभी को वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवेंचर टूरिज़म होता क्या है। वॉट इज़ एडवेंचर टूरिज़म? एक ऐसा टूरिज़म होता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ नया और अलग एक्सपीरियंस करने जाते हैं, कुछ एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। यह एडवेंचर टूरिज़्म आजकल की यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, ताकि वह कुछ अलग ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस कर सके। एडवेंचर टूरिज़्म बहुत ही तेज़ी से पॉपुलरली ग्रो हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म की। अकॉर्डिंग टू जॉन कैनिंग, एडवेंचर टूरिज़्म एक ऐसी स्पेशल फॉर्म ऑफ टूरिज़्म है जिसे कि बहुत से लोग सामान्य जीवन के मुकाबले बहुत ही रोमांचक मानते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के कॉमन तीन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज़ कनेक्टिंग विद कम्युनिटी। ये सभी तीन कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पर एडवेंचर टूरिज़्म टिका हुआ है। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडवेंचर टूरिज़्म की। जो एडवेंचर टूरिज़्म है वह दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड एडवेंचर एंड सेकेंड इज़ सॉफ्ट एडवेंचर। जो हार्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजरस होती हैं नेचर में, लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग एट्सेट्रा। और जो सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वह बहुत ही कम रिस्की और कम डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल गाइड्स द्वारा कराई जाती हैं, जैसे कि कैंपिंग, कयाकिंग, बोटिंग, हाइकिंग, हाउस राइडिंग एट्सेट्रा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पॉट्स। व्हाट इज़ वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पॉट्स? यह वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जो कि सिर्फ पानी में ही की जाती हैं, जैसे कि कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, सर्फिंग, फिशिंग एट्सेट्रा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की। तो यह बहुत ही एडवेंचरस और रिक्रिएशनल एडवेंचरस आउटडोर एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बेसिकली वाइट वाटर और किसी भी रफ वाटर पे की जाती है। इस एक्टिविटी का एनवायरनमेंट बहुत ही इंजॉयबल और चैलेंजिंग रहता है पार्टिसिपेंट्स के लिए। इस एक्टिविटी में रिस्क का सामना करना पड़ता है और टीम वर्क की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वाइट वाटर को अलग अलग ग्रेड्स में बांटा गया है। जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे, रिवर राफ्टिंग उतनी ही रिस्की और डेंजरस होती जाएगी। यह 6 ग्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ग्रेड 1, इसमें आपको बहुत छोटे रफ एरिया पर राफ्टिंग करने को मिलती है और इसमें आपको बेसिक स्किल लेवल्स की आवश्यकता पड़ती है। ग्रेड 2, इसमें राफ्टिंग करते समय बीच बीच में आपको रॉक्स का भी सामना करना पड़ता है, इसमें आपको बेसिक पैडलिंग स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। ग्रेड 3, इसमें रिवर राफ्टिंग करते समय आपको कुछ हल्की वेव्स का सामना करना पड़ता है, पर उसमें कोई ख़तरा नहीं होगा, इसमें आपको सिर्फ बेसिक राफ्टिंग स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। ग्रेड 4, इसमें पानी की लहर तेज़ हो जाएंगी और बीच बीच में आपको रॉक्स का भी सामना करना पड़ेगा, इसमें बहुत ही अच्छी राफ्टिंग स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, वरना यह बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। ग्रेड 5, इसमें पानी की लहरें बड़ी और बहुत सारी हो जाएंगी, जो कि बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आएंगी, बहुत ही डेंजरस लेवल राफ्टिंग साबित हो सकती है। ग्रेड 6, इस ग्रेड को बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। इस ग्रेड को करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो अब हम चलते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ, कि हमें राफ्टिंग करते समय किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें राफ्टिंग करते समय राफ्ट्स, पैडल्स, ओर्स, हेलमेट्स और लाइफ जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम समय आने पर अपना बचाव कर सकें। अब हम आपको बताएंगे कि राफ्टिंग इंडिया में किस किस जगह होती है। लद्दाख, लद्दाख में झांस्कर रिवर जॉर्ज में 12,000 फीट की ऊंचाई पर राफ्टिंग आयोजन की जाती है। इसके दोनों ओर पर्वतों की 100 फीट तक की लंबी दीवार होती है और जब यह नदी सिंधु के साथ मिलती है तो राफ्टिंग रूट समाप्त होता है। इस नदी को ग्रेड 4 के रूप में माना जाता है। हमारी दूसरी डेस्टिनेशन केरला है। यहाँ पर प्रतिदिन 1 से 2 आवर्स के राफ्टिंग ट्रिप निकलते हैं। यह ट्रिप
पुलिकियान ब्रिज से स्टार्ट होते हैं जो कि 40 किलोमीटर दूर है कोझिकोड से। यह यात्रा केरल के यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श यात्रा है, जो लोग स्वर्ग जैसे अपने देश की लहरी सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। उसके बाद है तेस्ता। तेस्ता नदी सिक्किम की मुख्य नदी दार्जिलिंग और कलिम्पोंग पर्वतीय क्षेत्र जो कि अलग अलग तीव्रता से तेज गति से बहती है। इस नदी को ग्रेड 4 के रूप में माना जाता है। तेस्ता नदी ऐसे नदी है जो कि मल्टी डायमेंशनल है, जो कि एक्सपीरियंस राफ्टर को चैलेंज करती है। ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा नदी जो कि दुनिया की सबसे अच्छी नदियों में से एक है, यह राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस है। यह शिवपुरी से लक्ष्मण झूला तक 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ग्रेड 1 से 4 के रूप में माना जाता है। उसके बाद है काली। भारत और नेपाल सीमा पर स्थित महाकाली नदी की यात्रा प्राकृतिक सीढ़ीदार खेतों और प्राचीन कुमाऊनों गाँव की यात्रा है। जगमगाते पानी और रेतीले तटों के साथ आपसे यह वादा किया जाता है कि यह ट्रिप आपके लाइफ टाइम के सबसे बेहतर जर्नी रहेगी। उसके बाद है कोलाड। कोलाड कोलाड कुंडलिका की सबसे तेज नदी कोलाड साउथ हिमालयाज में राफ्टिंग की एक्सीलेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोग का एक रोमांचक अनुभव रहता है। यह ग्रेड 3 और 4 के रूप में मानी जाती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग पर। स्कूबा डाइविंग एक ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी है जिसे हम अंडर वाटर स्विम करते हैं और इसे अलग अलग प्रकार की फिशेज और अंडर वाटर वर्ल्ड देखने को मिलता है, जिससे कि हम एक अलग ही दुनिया का अनुभव करते हैं। यह बहुत ही रिस्की भी हो सकता है। इसे करने के लिए हमें कुछ खास इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें पानी के अंदर रहने में मदद करता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जिससे कि हमें पानी के अंदर सांस आने में मदद मिलती है, मास्क जिससे कि हमें पानी के अंदर देखने में मदद मिलती है, वेट सूट, फिन्स, बूट्स, ग्लव्स, रेगुलेटर, स्नॉकर्स एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों से भी हमें पानी के अंदर रहने में मदद मिलती है। अब हम आपको बताएंगे कि स्कूबा डाइविंग इंडिया में कहाँ कहाँ करने को मिलती है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बंगाल की खाड़ी की यात्रा और एक्सप्लोर द मैजिकल अंडमान आइलैंड। आपको यहाँ पर पानी के अंदर बहुत ही एडवेंचरस स्कूबा डाइविंग करने को मिलती है। स्कूबा डाइविंग के दौरान आपको अंडरवर्ल्ड पैराडाइज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। देन पौंडीचेरी, यहाँ पर हमें सी में डाइव करते ही एक थ्रिल स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर है। यहाँ पर आपको सुंदर अनटच्ड कोरल रीफ्स और मैराइन लाइफ देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको सी स्नेक्स, व्हेल शार्क्स, ट्रिगर फिश, शार्क्स, डॉल्फिन्स जैसे पानी में रहने वाले जीव देखने को मिलते हैं। कोचीन, यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करते समय आपको अंडर वाटर वर्ल्ड देखने को मिलता है और आप मैरीन लाइफ का अनुभव करते हैं। देन लक्षद्वीप आइलैंड, यह अरेबियन सी से जुड़ा है, उन 36 ग्रुप में से है जो कि पाल्म कवर्ड कोरियल आइलैंड है, जिन्हें लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। यह मालदीवियन आर्चिपेलाग का हिस्सा होने के कारण 4200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। विशाखापट्टनम, भारत के मैप में न्यूली एडिशन विजाग में एक्सप्लोर और न्यू डेस्टिनेशन एक्टिविटी के लिए काफ़ी जगह है। वहाँ पर पानी के नीचे ढेर सारे मलबे हैं जो कि उन्हें पता लगाने के लिए वेट कर रहे हैं। गुजरात, यह द्वारका का प्रसिद्ध शहर है जो भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। द्वारका भारत में हिंदुओं के लिए 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां वाराणसी 7 पवित्र शहरों में से सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र द्वारा हुए विनाश के कारण द्वारका 6 गुना डूब गया है और मॉडर्न द्वारका इस क्षेत्र में 7वां शहर बन गया है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करते समय हमें डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस,
पफर फिश और द्वारका शहर का कुछ खंडर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि खजाना दबा हुआ है। देन गोवा, गोवा में स्कूबा डाइविंग एक ऐसा डिलाइटफुल एक्सपीरियंस रहता है जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आता है। गोवा में पानी के नीचे का दृश्य 2 से 8 मीटर तक टूरिस्ट सीजन पर दिखाई देता है। अब हम अपने नेक्स्ट वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स पैरासीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। पैरासीलिंग एक ऐसी थ्रिल एडवेंचर एक्टिविटी है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आता है, जिसमें आपको हवा में पंछियों की तरह उड़ने का मौका मिलता है और आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं। इसमें आपको एक पैराशूट पहनाया जाता है जिसे कि एक बोट के थ्रू खींचा जाता है। यह 4 टाइप्स की होती हैं। विंच बोट पैरासीलिंग, यह ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलती है। इसमें आपको एक पैराशूट दे दिया जाता है और फिर उसे बोट के थ्रू खींचा जाता है। यह एक्टिविटी मोस्टली बीचेस और लेक्स पर की जाती है। यह बहुत ही पॉपुलर एडवेंचर एक्टिविटी है। सेकंड इज़ बीच पैरासीलिंग, इसमें भी पैराशूट बोट से खींचा जाता है और यह थोड़ा रिस्की भी होता है। इसमें टेकिंग ऑफ और लैंडिंग बीच पर ही होती है। प्लेटफॉर्म पैरासीलिंग, इस एक्टिविटी में सिर्फ एक टाइम पर एक ही पर्सन इस एक्टिविटी को कर सकता है और यह एक्टिविटी तेज़ हवा में नहीं की जाती। नेक्स्ट इज़ लैंड पैरासीलिंग, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक्टिविटी सिर्फ लैंड पर ही होती है। इसमें पैराशूट को कार या ट्रक से खींचा जाता है और यह बहुत ही खुली जगह पर किया जाता है। पैरासीलिंग इंडिया में विभिन्न जगहों पर कराई जाती हैं, जैसे कि पैरासीलिंग डेस्टिनेशन इन गोवा। गोवा में पैरासीलिंग कोलंगट बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, कोल्लम बीच एट्सेट्रा, इन सभी प्रमुख स्थानों पर कराई जाती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पैरासीलिंग बहुत सी लेक्स पर कराई जाती हैं, जैसे कि पावना लेक, मुंशी लेक, खडवासला लेक एट्सेट्रा। पर यहाँ तक्षशिला बीच, मुरुद बीच, देवबाग बीच पैरासीलिंग के लिए मुख्य स्थान हैं। देन कर्नाटका, कर्नाटका में मालपे बीच, गोकर्णा बीच, होस्कोट लेक और जाको इन बेंगलोर से कुछ बेस्ट डेस्टिनेशन हैं पैरासीलिंग के लिए। केरला, केरला में पैरासीलिंग के लिए कुछ रोमांचक डेस्टिनेशन हैं, जैसे कि कोवलम बीच, पयम्बलम बीच और अल्फाजोहा बीच। इसमें इस रोमांचक जगह का अनुभव करने का अवसर हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। देन लैंड पैरासीलिंग इन फन स्पोर्ट, लैंड पैरासीलिंग एक ऐसा फन स्पोर्ट है जो कि खुली जगहों पर ही कराया जाता है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर लैंड पैरासीलिंग कराई जाती है, जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एट्सेट्रा। चलिए तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी कयाकिंग की तरफ। यह एक छोटा वाटरक्राफ्ट होता है जिसमें डबल ब्लेड के पैडल्स होते हैं। ये वुड, मेटल और प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह नैरो शेप की बंद बोट होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कॉकपिट्स होते हैं। इसका डेक पूरा कवर होता है और हर सीट पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पैडल होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ खास इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि वेट सूट, लाइफ जैकेट जो कि हमें डूबने से बचाती हैं, और हेलमेट, बूट्स, पैडल्स, ग्लव्स एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कयाक्स के टाइप्स की। बेसिकली कयाक्स बहुत से टाइप के होते हैं, जो कि कुछ फ्लैट वाटर में यूज़ होते हैं और कुछ वाइट वाटर में। कयाक्स अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर 4 तरह के कयाक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली सिट ऑन टॉप, इसका डेक वाटर के अंदर होता है जितना होता है, इसमें पैडल ऊपर ही होते हैं। सेकेंडली कॉकपिट स्टाइल, इसमें हमारे लेग्स एंड हिप्स कयाक्स के अंदर होते हैं जिससे पानी का लेवल हमारे वेस्ट तक आ जाता है। थर्ड इज़ इन्फ्लेटेबल्स एंड फोर्थ इज़ टैंडम्स। नाउ कयाकिंग साइट इन इंडिया, इंडिया में कयाकिंग कराने के लिए बहुत से डेस्टिनेशन हैं, जैसे कि लद्दाख। लद्दाख में कयाकिंग
छास्कर रिवर जॉर्ज में 12,000 फीट की ऊंचाई पर कराई जाती है। इसके दोनों तरफ पर्वतों की लंबी दीवार है। जब यह नदी सिंधु के साथ मिलती है तो कयाकिंग रूट समाप्त होता है। देन तेस्ता, तेस्ता नदी में कयाकिंग का बेस्ट टाइम विंटर सीजन रहता है। तेस्ता नदी सिक्किम की मुख्य नदी है। यह दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र में है, जो कि बहुत ही तेज गति से बहती है। देन ऋषिकेश, कयाकिंग के लिए ऋषिकेश की गंगा नदी है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी नदी है। यह शिवपुरी से लक्ष्मण झूला तक 16 किलोमीटर की दूरी पर है। देन कोलर, कुंडलिका की सबसे तेज नदी कोलर साउथ हिमालय में कयाकिंग के लिए एक्सीलेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोगों का एक अलग ही रोमांचक अनुभव रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी कनोइंग की तरफ। कनोइंग एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसमें हम सिंगल ब्लेड पैडल से पैडलिंग करते हैं। यह है कयाकिंग की तरह ही होती है, पर कयाकिंग में लोअर बॉडी कयाक के अंदर होती है और यह कनोइंग खुली बोट की तरह होती है। कनोइंग मोस्टली खुली रिवर्स में की जाती है, जहाँ पर प्लेयर्स बोटिंग रेस करते हैं। यह बहुत ही डेंजरस होती है। यह एक आदमी या एक टीम के द्वारा चलाई जाती है। यह थ्रिल एडवेंचर एक्टिविटी है। इसे करने में बहुत ही मज़ा आता है। कनोइंग के लिए हमें लाइफ जैकेट, पैडल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम कनोइंग के एडवांटेजेस की बात करते हैं। यह करने से हमारी फिज़िकल फिटनेस और हेल्थ को और अच्छी बनाने में हेल्प करती है। यह एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एरोबिक और फिज़िकल एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे हमारी बॉडी का सिस्टम इम्प्रूव होता है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जो कॉम्पिटिटिवनेस, स्किलफुल और एंटरटेनमेंट से कराई जाती है। किसी भी एडवेंचरस जगह पर जाने से यह हमारा अनुभव बढ़ा देती है। अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कनोइंग किस किस जगह पर कराई जाती है। कनोइंग के लिए इंडिया में कुछ मेजर लोकेशंस हैं, जैसे कि बीचेस ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड केरला, जहां पर अनेक बीच रिसोर्ट्स हैं जहां पर एक्सीलेंट क्वालिटी के कनोइज अवेलेबल होते हैं। उत्तराखंड में कनोइज के लिए कुछ उपयुक्त क्षेत्र हैं, जैसे कि ऋषिकेश, डाग पठार, रामगंगा एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, दार्जिलिंग और अनेक लेक पैराडाइजेस हैं, जैसे कि नैनीताल, जिसमें कनोइंग की जाती है। हेयर वी गो टू ओवर नेक्स्ट वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी विच इज़ सर्फिंग। सर्फिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड और एडवेंचरस एक्टिविटी है, यह बहुत ही फेमस एडवेंचर एक्टिविटी है। यह एक लकड़ी के बोर्ड पर खड़े होकर लहरों के ऊपर की जाती है। इंडिया में कुछ ऐसे जाने माने स्पोर्ट्स बनाए गए हैं जहां सर्फिंग कराई जाती है, जैसे महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कोवलम केरला में, ओरोविल तमिलनाडु में एंड अंडेमान एंड निकोबार, एंड ये गोवा में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। गोवा की बीचेस पे की जाती है। जो फर्स्ट कैंप सर्फिंग का था इंडिया में, वो चेन्नई तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट माना जाता है इंडिया में। इंडिया में कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं सर्फिंग को लेकर, जैसे कि सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर में कुछ एसोसिएशन इंक्लूड हैं, जैसे कि स्वात, सर्फिंग एंड वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु, ओसा, ओरिसा सर्फिंग एसोसिएशन, कसा, कर्नाटक सर्फिंग एसोसिएशन। सर्फिंग को लेकर इंडिया में बहुत से स्कूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि मुन्नू सर्फ लेसन्स, जो कि महाबलीपुरम और तमिलनाडु में है, अलोहा जो कि गोवा और अगोन्ना में है, सर्फ वाला जो कि गोवा और अरम्बोल में है, मंत्रा क्लब सर्फ क्लब जो कि मैंगलोर में है, स्टोक्ड सर्फ क्लब जो कि मैंगलोर में है, और शाका सर्फ क्लब जो कि मणिपाल में है। तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।